अगर ओवरी छोटी है, ओवरी का साइज छोटा है, तो एग रिजर्व जो होगा वो भी कम होगा। और कई बार ओवरी का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी स्थिति में जो एग रिजर्व है वो ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। आप ब्लड टेस्ट या फिर सोनोग्राफी के जरिए अपनी। आज की इस वीडियो में मैं दिव्या एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो ओवरी के साइज़ को लेकर उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चलते रहते हैं। उनके मन में ओवरी के साइज़ से रिलेटेड कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको गूगल करने पर भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो गूगल में भी कई बार आधी अधूरी जानकारी आपको मिलती है, तो उस आधी अधूरी जानकारी के बेस पर आप कई सारे डिसीजंस ले जाते हैं, और इन डिसीजंस के साथ में कई बार आप सोचते हैं कि आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, आप एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी ओवरी के साइज से रिलेटेड कई सारे प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में हम आपको दे पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो मानव के अंग होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी होता है, वो एक एज पर आने के बाद, जैसे कि सपोज दैट हमारा एक बेबी है, तो वो हर महीने या फिर हर साल बढ़ता जाता है। आप खुद की बॉडी से आप सोच सकते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब आपकी खुद की लेंथ बढ़ना बंद हो जाती है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी के तमाम से ऐसे अंग होते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही अंग होते हैं, जो कि एक उम्र के साथ आने पर एक प्रॉपर साइज में आ जाते हैं। बट जो फीमेल की ओवरी होती है, वो उम्र के साथ और पीरियड्स के दौरान भी बदलती रहती है। और कई बार इसके बदलने की बात करें, तो जब महिला की एक ओवरी एग को बना रही होती है, एग का निर्माण कर रही होती है, तो उस टाइम पर ये अपनी नॉर्मल साइज से कम 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। तो घटना और बढ़ना नॉर्मल होता है। एक स्वस्थ महिला में ओवरी का बढ़ना और घटना ये आम बात है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। महिला में मेनोपॉज के बाद महिला की जो ओवरी का आकार होता है वो बढ़ना बंद हो जाता है, बढ़ना या फिर बदलना बंद हो जाता है, और बढ़ने के बजाय उल्टा जो ओवरी होती है वो सिकुड़ने लगती है। तो अगर बात करें मेनोपॉज की, तो अगर आप नहीं जानते हैं, तो ऑलमोस्ट 45 या 50 के बीच तक हर एक लेडी में मेनोपॉज की स्थिति आती है, और जो मंथली साइकिल होता है वो एक एज के आने के बाद बंद हो जाता है, उसको मेनोपॉज की स्थिति बोला जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेनोपॉज के दौरान जो ओवरी का साइज होता है वो बदलना भी बंद हो जाता है, और हमारे स्ट्रेस का भी काफ़ी असर पड़ता है हमारी ओवरी के साइज पर। तो फाइनली अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वाकई आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, तो ऐसे में भी कई बार ओवरी के साइज पर डिस्टर्बेंस होती है, यहाँ तक कि कई बार ओवरी जो एग बनाना होता है वो भी बंद कर देती है। तो हम आपको हर एक वीडियो में रिकमेंड करते रहते हैं, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको तनाव नहीं लेना है। और हम आपको बता दें, अगर ओवरी छोटी है, ओवरी का साइज छोटा है, तो एग रिजर्व जो होगा वो भी कम होगा। और कई बार ओवरी का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी स्थिति में जो एग रिजर्व है वो ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। आप ब्लड टेस्ट या फिर सोनोग्राफी के जरिए अपनी ओवरी में फॉलिकल्स की संख्या को ईजिली गिन सकते हैं, तो इससे पता लगाया जा सकता है कि आपका एग रिजर्व कैसा है। तो इस टाइम पर अगर आपका एग रिजर्व अच्छा होगा, तो आप अगर कोशिश करते हैं, आप ट्राई करते हैं कंसीव करने के लिए, तो आप बहुत जल्दी गर्भधारण कर सकते हैं, इस स्थिति में आप कंसीव कर सकते हैं। तो बात करें, अगर आपको साइज रिलेटेड कोई इशू है, तो आप अपनी डाइट प्लान को सुटेबल करें, आप पौष्टिक आहार लें, आप हरी सब्जियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, और सबसे जरूरी बात, अगर आप बेस्ट डाइट भी ले रहे हैं फिर भी अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस का शिकार हैं। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको तनाव मुक्त रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप नियमित एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको कि अगर आप फॉलो करते हैं, तो महिला की ओवरी को स्वस्थ रखा जा सकता है। आई होप कि आज की इस वीडियो में हम आपकी ओवरी रिलेटेड कई सारे सवालों का जवाब दे पाए होंगे। आपके मन में भी अगर ओवरी के साइज रिलेटेड कोई इशू था, तो आई होप कि आज की इस वीडियो में हम उसको सुलझा पाए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।